ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नाम्नि। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मनसाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलं हरति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं सुगुरुदिनतायनं श्री चैतन्य ईश्वरं। आज कल हम लोग श्रवण किए थे, हम लोग पुरुषोत्तम धाम के बारे में चर्चा हो रहा है। कल हम लोग श्रवण किए थे पुरुषोत्तम धाम में कैसा परम पुरुषोत्तम भगवान तार प्रकाशर वैशिष्ट्य, उनका प्रकाश का वैशिष्ट्य क्या है। तो परम पुरुष भगवान, हम लोग पुरुषोत्तम धाम में परम पुरुष भगवान का प्रकाश का वैशिष्ट्य के बारे में चर्चा करते थे, जो कैसा परम पुरुष भगवान स्वयं भगवान परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण दो स्वरूप में जगन्नाथपुरी धाम में लीला विलास कर रहा है। एक भगवत स्वरूप में, भगवान रूप में श्री जगन्नाथ, और भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु, दोनों रस को आस्वादन करता है। कृष्ण भगवान राधा विरह विधुरा कृष्ण वो जगन्नाथ है, और कृष्ण विरह विधुरा कृष्ण वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम धाम का ऊपर, उसका महिमा का ऊपर। हाँ, हम लोग चर्चा करेंगे और कृष्ण भगवान क्यों चैतन्य रूप में आए हुए, हाँ इसको भी हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे। तो पुरुषोत्तम धाम का बहुत सारी नाम होता है, तो श्री क्षेत्र बोलता है क्योंकि ये लक्ष्मी देवी का स्थान है, राधा रानी का स्थान है, इसलिए इसको श्री क्षेत्र बोलते हैं, और इसको नरसिंह क्षेत्र भी बोलते हैं। नरसिंह नरसिंह भगवान, ये पुरी धाम नरसिंह भगवान का था। आप लोग जब पुरी मंदिर में जाएंगे नेक्स्ट टाइम, जो मुक्ति मंडप है उसके पास में आदि नरसिंह है, ऐसा बोला जाता है कि नरसिंह भगवान जगन्नाथ प्रकट होने से पहले भी उधर थे, इसीलिए उसको नरसिंह क्षेत्र बोलते हैं। तो उसको पुरी धाम बोलते हैं। पुरी मतलब जिधर कोई वास करते हैं उसको पुरी बोलते हैं, तो उधर परम पुरुष वास करते हैं। हाँ, जो पुरी में वास करते हैं वो पुरुष है, अरे परम पुरुष है, पुरुषोत्तम होता है, परम पुरुष पुरुषोत्तम, इसीलिए इसी धाम को पुरी धाम बोला जाता है। जिधर पुरी मतलब ही होता है जिधर सब कुछ पूर्ण है, इसलिए जगन्नाथ पुरी धाम होता है। और इसको दशावतार क्षेत्र भी बोला जाता है, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है,
सब अवतार कुछ जगन्नाथ से प्रकट होते हैं, फिर जगन्नाथ से मिलन होता है। पुरी को भौम वैकुंठ बोला जाता है, भौम वैकुंठ। तो कपिल संहिता तो ऐसा बताता है, साक्षात वैकुंठ रूपम तत् क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम, क्षेत्राणाम अपि क्षेत्रम च तीर्थानाम अपि जत वरम। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र होता है, साक्षात वैकुंठ रूप होता है, साक्षात वैकुंठ रूप होता है। यद्यपि परब्रह्म सवाकार नित्य धाम, तथापि ब्रह्मांड कारो कहो सन्निधान। परब्रह्म में तो वैकुंठ धाम होता है, चैतन्य चरित में बताता है। तो ब्रह्मांड में भी कुछ कुछ जगह पर एक वैकुंठ प्रकाश होता है। तो जगन्नाथ धाम ऐसा ही, मथुरा ते केशव नित्य सन्निधान, नीला चले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ नीलाचल, ये वैकुंठ है, इसको वैकुंठ बोला जाता है। और इसको नीलाचल धाम बोला जाता है। नीलाचल मतलब नील और अचल, नीलाचल नील पहाड़ का ऊपर, अचल मतलब पहाड़, नीलाचल बोलते हैं पहाड़ को, अचल बोलते हैं। तो नीलाचल मतलब नील पर्वत। तो फिर इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि भगवान का, भगवान पुरुषोत्तम भगवान का एक क्षेत्र इतना प्रिय है, और आपका स्वयं का नाम का अनुसार उनको नाम दे। आप लोग तो सुने भी है, ये पुरुषोत्तम महीना का अंतिम समय में हम लोग पहुंच गए। कैसा ये अधिक मास था, मल मास था। आप लोग, हम लोग तो जब इस्कन में ज्वाइन किया नहीं, इसको सब मलमास करके बोलते थे। तो अभी तो मालूम हो गया पुरुषोत्तम मास। तो महीना जब से इसके बाद अधिक मास हो गया, तो उनको मल मास बोला गया। कोई शुभ कर्म किया नहीं जाएगा, तो दुखियों के मल मास भगवान विष्णु के पास गए। तो उधर मूर्छा होकर गिर पड़ी। फिर गरुड़देव आके उनको थोड़ा पानी देके, हवा देके ज्ञान वापस आया। तो विष्णु को बताए, हाँ ये मलमास, मेरा हालत बहुत खराब। तो विष्णु भगवान उनको लेके गोलक वृंदावन कृष्ण के पास गए थे। तो कृष्ण को जब उन निवेदन किए, मेरा ऐसा मलमास है, कोई मेरे को आदर नहीं करेंगे, कोई ऐसे बहुत दुखी होकर बताए थे। तो भगवान बोलते, नहीं, तुम सबसे श्रेष्ठ मास महीना बना, मैं तुमको नाम देता हूं, मेरा नाम का अनुसार तुम्हारा नाम रहेगा। पुरुषत मेरा नाम पुरुषोत्तम भगवान है, तुम्हारा नाम रखा जाएगा पुरुषोत्तम मास। और ये बता, ये महीना कार्तिक महीना से भी श्रेष्ठ होगा। दूसरा जितना सारी महीना शुभ है, वो तुम्हारा, तुम इस महीना, तुम्हारा समय में एक पुरुषोत्तम महीना में इतना शुभ है, दूसरा सब महीना का शुभ कर्म 1/16 नहीं हो सकता, ऐसा बताया। और पुरुषोत्तम महीना में बताया, जैसा मैं जैसा सबका वासना पूर्ण कर सकता हूं, इस तुम्हारा इस महीना में सबका वासना पूर्ण होगा। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हर 3 साल में एक बार ये पुरुषोत्तम महीना आता है। तो आप लोगों को मालूम है, कोई कर्मकांडी लोग कोई शुभ कर्म नहीं करता है, कोई शुभ कर्म को बुरा मानता है, क्योंकि ये एक अद्भुत महीना है। हर समय बुरा काम करो तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन इस महीना में शुभ काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हाँ, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, दोनों का ही बुरा फल मिलेगा, ये अद्भुत है। लेकिन इसका अच्छा गुण क्या है, जो भक्ति करेंगे, हरि भक्ति करेंगे, उन लोगों को हजारों गुण ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए ये महीना भक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा इस महीना में
बहुत सारी नीति नियम निष्ठा के बारे में बताया गया जो लोग पुरुषोत्तम व्रत करते हैं। बहुत सारे भक्त लोग दीप दान करने पड़ते हैं, हविषा न खाते हैं, लेकिन शास्त्र ने बताया तीन चीजों करने से पुरुषोत्तम व्रत का फल मिलेगा। क्या तीन चीज क्या करना है? हर रोज पवित्र नदी में नहाना है। एक नंबर, जो पवित्र नदी का किनारे पर नहीं रहते हैं उन लोग क्या करेंगे, मतलब गंगा 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 3 बार बोल के पानी ढालेंगे तो गंगा स्नान का फल मिलता है। और दूसरा है कृष्ण आराधना करेंगे, लेकिन कृष्ण आराधना का तो बहुत सारी उपाय होता है। किस उपाय में कृष्ण का आराधना करने पड़ेगा? बता, नाम संकीर्तन का द्वारा कृष्ण भगवान का आराधना करें। अब तीसरा होता है चैरिटी, दान देना। ये तीन चीज करना है, दान यथार्थ जगह पर यथार्थ लोगों को यथार्थ उद्देश्य के लिए दान करना पड़ेगा। हाँ, भगवान ने तो बताया जत करसि जत अस्नसि जत ददासि तत् तपस्यसि, जो दान करते हैं वो मेरे लिए दान करो। तो ऐसा जैसा भगवान ने खुश होकर इस महीना को आपका नाम के अनुसार महीना का नाम रखे पुरुषोत्तम मास, तो ये पूरी धाम भगवान का इतना प्रिय है वो तो आपका नाम का अनुसार इस धाम का नाम रखे। और इस धाम को श्री क्षेत्र भी बोला जाता है। श्री मतलब श्री देवी लक्ष्मी देवी होते हैं, श्री देवी भगवान का स्वरूप शक्ति होता है। तो ये जो जगन्नाथपुरी धाम है ये भगवान का श्री शक्ति का द्वारा प्रभावित है, इसलिए इसको श्री क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, और श्री क्षेत्र लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी कौन है? लक्ष्मी देवी राधा रानी का अंश होता है। लक्ष्मी देवी चैतन्य चैतन्य बताते हैं, हाँ, जैसे कृष्ण अवतारी होते हैं और सब अवतार होते हैं और सब माफिक राधा रानी अंशिनी होता है और सब अंश होता है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशिनी राधा होते तीन गणेर विस्तार। तो ऐसा वर्णन आता है। जैसा पुरी धाम को मर्त्य वैकुंठ बोलते हैं, मर्त्य लोक में वैकुंठ धाम का समान है, वैसा माफिक उसको भू स्वर्ग भी बताते हैं। ये स्वर्ग जैसा है। हाँ, पुरुषोत्तमात् परम क्षेत्रम नास्ति एव पृथ्वी तले भूस्वर्गम इति विख्यातम देवानाम अपि दुर्लभम। ये देवदुर्लभ स्थान है भूस्वर्गम इति विख्यातम, इसको भूस्वर्ग बोलते हैं। आप लोग जो पुरी गए हुए आप लोग देखे हुए ना, पुरी में आनंद ही आनंद। हाँ, समुद्र का स्नान करना, जगन्नाथ प्रसाद पाना, आप उधर ठंड का दिन ठंड नहीं है, गर्मी का दिन में गर्मी नहीं है। कितना सुखमय है। ऐसा एक धाम है। हाँ, स्वर्ग जैसा ऐसा ही है। और इसका नाम होता है शंख क्षेत्र। शंख क्षेत्र में थोड़ा बताऊंगा, वो पुरी में चार धाम, उड़ीसा में चार धाम होता है, शंख चक्र गदा पद्म। शास्त्र में वर्णन आता है भगवान विष्णु ने गया आके गयासुर को वध किए थे। गयासुर को वध नहीं किए, गयासुर बहुत उत्पात करता था, तो भगवान विष्णु ने उनका चरण असुर का ऊपर रख के मिट्टी का नीचे दबा के रखे। अभी भी असुर मिट्टी का नीचे है और भगवान का चरण चिन्ह है। सब हिंदू लोग जाते हैं श्राद्ध करने के लिए। तो शास्त्र में से वर्णन आता है भगवान विष्णु तो उधर गयासुर के प्रशमित करने के बाद उत्कल देश पर आए, आज जिसको उड़ीसा करके लोग जानते हैं। एक दिन उसका नाम था उत्कल देश और बहुत पहले उसी स्थान उसी देश का नाम था उड्र देश। जब राजा इंद्रद्युम्न ने पहला बार पुरी पर आए उसी समय में इसको उड्र देश बोला जाता। तो भगवान नारायण तो उत्तर देश उत्कल में आते आके उनका चार आयुध होता है, शंख चक्र गदा पद्म। ये शंख चक्र गदा पद्म का जिस जिस दान स्थान पर रखे है
उसी स्थान में उसी धाम प्रकट हुआ। तो पुरी में शंख को रखे थे, इसीलिए इसको शंख के तरह बोला जाता है। इसका साइज भी एक शंख जैसा होता है, इसका साइज भी ऐसा होता है। इस शंख का स्थल भाग में इसका साइज 5 क्रोश होता है, स्थल भाग में 3 क्रोश होता है और जल भाग में 2 क्रोश होता है। इसको शंख क्षेत्र बोलते हैं। और चक्र क्षेत्र है, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, जो चक्र क्षेत्र बोलते हैं। और जाजपुर होता है, देवी धाम होता है, विरजा देवी का होता है, इसको गदा क्षेत्र बोलते हैं। और कोणार्क सूर्य भगवान का स्थान होता है, इसको पद्म क्षेत्र बोलते हैं। और आदि शंकराचार्य ने जो पंच उपासना दिए देखा थे, उसका चार, एक वैष्णव का स्थान होता है ये शंख क्षेत्र, और शिव और शैव का स्थान होता है हाँ चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर लिंगराज, और शक्ति उपासक जो होता है शक्तों का स्थान होता है जाजपुर, बिरजा देवी उधर अवस्थान करते हैं। और सौर्य जो सूर्य भगवान उपासना करता है वो कोणार्क में हाँ उसको पद्म क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसा इस पुरी धाम ऐसा प्रकट हुआ था। तो जगन्नाथपुरी धाम इसका बहुत सारी महात्म्य होता है। मैं काल एक श्लोक आप लोगों को सुनाया था जिसमें लिखा है, मथुरा द्वारका लीला जा करोति च गोकुले नीलाचल स्थित कृष्ण स्थायव चरति प्रभु। मथुरा में, द्वारका में, गोकुल में भगवान कृष्णचंद्र जो लीला करता है, ये नीलाचल धाम में इस सब लीला चल रहा है, ये वैष्णव तंत्र में ये बात बताया गया। इसीलिए आप लोग देखते हैं इस कलि युग के लिए जगन्नाथ ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जगन्नाथ ही उपास्य भगवान होते हैं। इसीलिए सारा दुनिया में लोग जगन्नाथ को ही मानते हैं। इसीलिए ये कृष्ण का एक विशेष प्रकाश है, ये जगन्नाथ स्वरूप होता है। और शास्त्र वर्णन आता है, ये साक्षात वैकुंठ रूपम तत् क्षेत्रम पुरुषोत्तम, इसको पुरुषोत्तम नाम दिया गया। और इसमें पंचक्रोशम इदम क्षेत्रम समुद्रांत व्यवस्थित, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का साइज होता है 5 क्रोश। त्रिक्रोशम तीर्थराजस्य तटभूमौ सुनिर्मल, ये 5 क्रोश से 3 क्रोश जमीन पर रहता है, जो सुवर्ण बालुका किरणम नील पर्वत शोभितम, ये नील पर्वत नीलाचल और नील पर्वत का ऊपर जगन्नाथ पहले जो नील माधव रूप में उपासित होते थे, नील समुन्दर का तट पर, नील पर्वत का ऊपर, नील कंदर का अंदर, नील माधव रूप में भगवान उधर उनको सेवा किया जाता था। तो उस समय सोने का रेती बालू बाली था, सुवर्ण बालुका के नील पर्वत शोभितम, जो सो विश्वेश्वर देव साक्षात नारायणात्मकम, भगवान नारायण उधर ऐसा पूजित होता है। और उनको परिक्रमा करने के लिए एक विशेष तिथि होता है, मैं काल बताया था। बहुत सारे महाराज लोग, बहुत भक्त लोग लेके पुरी जाते हैं, पुरी यात्रा करते हैं, लेकिन शास्त्र में स्कंद पुराण में वर्णन है एक विशेष तिथि पर जो जगन्नाथ पुरी को परिक्रमा करेंगे, वो तिथि होता है मार्गशीर्ष से सित्य पक्षे पंचम्यांग शुभा अवसा शुभावसरे परिक्रमा महासंघम भक्त्या कृष्णान कृते। शास्त्र में बताया जाता है मार्गशीर्ष मास होता है सित्य पक्षे मतलब कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, हरिनाम कीर्तन का साथ जो शंख क्षेत्र का परिक्रमा करना है। वैष्णव लोग बोलते हैं तो चतुर्मास व्रत करेंगे और कार्तिक व्रत करेंगे, भीष्म पंचम करेंगे, ये तीनों व्रत करने से जो फल को प्राप्त होता है, एक बार इसी तिथि को श्री क्षेत्र परिक्रमा करने से उसी फल प्राप्त होता है। तो आप लोगों को
हाँ, ऐसा व्रत का फल प्राप्त करना चाहिए। तो इस बार हमारा श्रीक्षेत्र परिक्रमा होता है 9 नवंबर को, भक्त लोग पहुंचेंगे और 2 दिन चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थान दर्शन करेंगे, 1 या 2 तारीख को, ये पंचमी तिथि पड़ता है। पूरा परिक्रमा हमारे इष्ट देव प्रभु हिंदी ग्रुप देखभाल करते हैं, आप लोग उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, परिक्रमा के बारे में श्रील लोकनाथ महाराज ने बताए थे, देखो भगवान जगन्नाथ कितना करुणामय होते हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूँ जगन्नाथ का करुणा के बारे में, जो शास्त्र ने बताया गया, ध्यान करो, तपस्या करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज। लेकिन कलयुग हम लोग तो बहुत आलसी होता है, हम लोग उतना ध्यान तपस्या नहीं कर पाएंगे, इसीलिए खूब सहज उपाय चैतन्य महाप्रभु दिए। तुम आलसी लोग हो, लेजी हो, तो तुम लोग के लिए मैं बोल दे, तुम सिर्फ हरि नाम करो। हाँ, हरि नाम में कोई ज्यादा ताकत नहीं चाहिए, आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इतना सुविधा सुजोग देने से भी हम लोग तो आलसी नहीं है, हम लोग सुपर आलसी है। जब माला हाथ में पकड़ने से नींद आ जाता है, तभी भगवान चिंता करते हैं सुपर आलसी को कैसा मैं मुक्ति करूंगा। तो इसलिए भगवान ने जगन्नाथ रूप में आए, ठीक है तुमको मुक्ति मिल जाएगा, तुम आओ सिर्फ मेरा प्रसाद खाओ, प्रसाद खा के तुमको मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए जगन्नाथ प्रसाद का बहुत महिमा होता है। तो जगन्नाथ आए हम लोग जैसा सुपर आलसी लोग को उद्धार करने के लिए। इसके बारे में श्री लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते थे, देखो हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, महीना भर पैदल में जाने पड़ता है, महीना भर चलते चलते रहते चलते रहते हैं। नवद्वीप मंडल परिक्रमा करता है, 7-8 दिन हम लोग चलने पड़ते हैं, बहुत परिश्रम होता है। लेकिन जगन्नाथ इतना कृपालु है, जगन्नाथ बोले ठीक है तुम 1 महीना चलने नहीं पड़ेगा, 1 हफ्ता चलने नहीं पड़ेगा, मेरा धाम पर आ जाओ, वही फल तुमको मिल जाएगा, 1 दिन चलने से तुमको ये फल मिल जाएगा। ये भगवान का बहुत करुणा, हाँ जगन्नाथ का, हाँ बहुत जगन्नाथ बहुत कृपालु है। तो इसीलिए जगन्नाथ पुरी के बारे में बहुत सारी चर्चा किया गया, और सारे श्री क्षेत्र परिक्रमा में आप लोग को मिलेगा, हाँ उनका महिमा के बारे में। तो ऐसा श्री क्षेत्र में भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महिमा बताया, कैसा उधर द्वारका, वृंदावन और नवद्वीप धाम, हाँ एक साथ सब कुछ हम लोग को मिलता है। और ये जगन्नाथ विशेष करके ये कलयुग का हम लोग जैसे पतित लोग हो, उनको उद्धार करने के लिए आए। क्या नाम है उनका? देखो उनका नाम जगत नाथ है। सब लोग के लिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अमेरिकन, यूरोपियन, बोले तुम्हारा भगवान का नाम क्या है? ये जगत का नाथ है, तुम जगत में रहते हो, हाँ तो तुम्हारा भी नाथ। मैं गया था बहुत साल पहले आसाम में, एक रथ यात्रा में गया था, जो चीफ मिनिस्टर आया था, वो बताया ये क्यों जगन्नाथ है, जगतनाथ क्यों जगन्नाथ बोलते हैं, उनका विचार ऐसा है। तो उन्होंने बताया, देखो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, ये जगन्नाथ इसीलिए सारा जगत को रिप्रेजेंट करता है। उनके विचार से उन्होंने बताया, ये जगन्नाथ है, उनका रंग कलर काला है, इतना निग्रह लोग होता है, काले लोग होता है, उनका जगन्नाथ रिप्रेजेंट करता है। अब बलदेव, उनका शरीर का रंग सफेद है, जितना श्वेतांग होता है, सफेद लोग होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और सुभद्रा पीला कलर होता है, मंगोलियन, जापानी, चाइनीज, जो पीला कलर होता है उनको रिप्रेजेंट करता है। और सुदर्शन लाल कलर होता है, रेड इंडियन होता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जगत का नाथ है, क्योंकि सारा जगत के लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो मैं ऐसा बात कभी कभी क्लास में बोलता था, फिर मेरा बात को सुनते है, एक भक्त ने मेरे को एक श्लोक भेजा, इस श्लोक किधर हो गया, तो उसमें लिखा है, शास्त्र में लिखा है, इस जगत में 4 कलर का लोक होता है, ये काले कलर का होता है, पीला कलर का होता है, रेड कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। लेकिन भगवान का कलर क्या है?
उनका बल कलर ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है, भगवान विशेष कलर है, ब्लू कलर होता है। इसलिए बताया ना, नील सागर का तट पर नील पर्वत का ऊपर नील कंदर, कंदर का मतलब गुफा, गुफा, और नील कंदर का अंदर में नील माधव है। तो भगवान नील क्यों होते हैं? तो श्रील भक्ति चेतन महाजन बताए थे, जो कृष्ण भगवान है ये परम ब्रह्म है, नील क्या है इस जगत में देखने के लिए, नील क्या है? हाँ, आसमान नील लगता है देखने, नील कलर है, और समुन्द्र नील कलर है, लेकिन पानी का कलर तो नील नहीं, तो स्वच्छ है। समुद्र देखने के लिए क्यों नील लगता है? आसमान तो स्वच्छ है, इसको देख नील क्यों लगता है ना? आसमान अनंत है, समुन्द्र अनंत है, इसलिए देखने के लिए नील लगता है। वैसा भाव माफिक भगवान कृष्ण स्वच्छ है, वो परम ब्रह्म है। एक छोटा सा शरीर में आने से भी, छोटा शरीर धारण करने से भी, उनका छोटा शरीर में जो अनंत स्वभाव है, अनंत का प्रभाव है, इसीलिए उनको देखने के लिए ब्लू कलर जैसा ऐसा लगता है। तो वो जो ब्लू कलर भगवान है, नील कलर का भगवान होते हैं, तो भगवान गौरव वर्ण लेके जगन्नाथपुरी में, नील कलर का भगवान जगन्नाथ होते हैं, नील माधव। जब चैतन्य महाप्रभु आते थे तो जगन्नाथ जैसे हम लोग देखते हैं ऐसे जगन्नाथ को नहीं देखते थे, उनका श्याम सुंदर रूप को देखते थे। तो कृष्ण भगवान एक श्याम सुंदर रूप होता है, एक गौरव सुंदर रूप होता है। श्याम सुंदर रूप में वो भगवत भगवान स्वरूप है, भगवत्ता का रस का आस्वादन करता है, और गौर स्वरूप में क्या करता है ना, भक्त का रस का आस्वादन करता है। तो कृष्ण भगवान का गौर वर्ण क्यों हुआ? राधा रानी का भाव को अंगीकार किए थे, इसीलिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन किया गया, राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधिनी शक्ति रस्मात एकात्मनावपि भूपुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याच्छा प्रकट मधुना तद्वयम् चैक्यम् आप्तम् राधा भाव द्युति सुबलितम् नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा, राधा कौन है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण प्रेम का विकार वो राधा रानी होता है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्ति रस्मात, वो हल्लादिनी शक्ति होता है। एक आत्मा राधा कृष्ण, एक आत्मा दुई देह धरी अन्न ने बिले से रस आस्वादन करी। ये राधा रानी और कृष्ण एक आत्मा है, दो शरीर प्रकट हुआ लीला रस को आस्वादन करने के लिए। ये दोनों राधा और कृष्ण एकात्म नाम अपि भूमि पुरा देह वेदम गतौ तौ, एक आत्मा होने से भी अनादिकाल से दो शरीर में प्रकट हुए। चैतन्य माख्या प्रकट मधुना तद्वयम् च ऐक्यम आप्तम्। अभी क्या हुआ ना, वो दोनों एक शरीर प्राप्त हुए, ऐक्यम आप्तम्, राधा भाव द्युति सुबलितम् नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधारणी का भाव और अंग कांति को ग्रहण करते हुए वो श्याम सुंदर गौर सुंदर रूप में प्रकट होगी। मैं काल आप लोग को बताया था, अभी 10-15 मिनट है, तो मैं संक्षेप में आप लोग को बताया हमारा श्री क्षेत्रपुरी धाम का महिमा के बारे में। अभी थोड़ा संक्षेप में आप लोग को बता दूंगा कि कृष्ण भगवान क्यों गौरांग रूप में आए। आप लोग को मालूम है, सुने हुए, दो कारण है, एक बहिरंगा कारण है और एक अंतरंगा कारण होता है। बहिरंगा कारण होता है क्या है ना, जगतवासियों के लिए, हम लोगों के लिए, अनर्पिता चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियम हरि प्रौढ़ सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। तो अनर्पिता चरिंचिरात, कृष्ण भगवान अनर्पित चरिंचिरात, जो वस्तु कभी भी दिया नहीं गया, बहुत दिन तक, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार देते हैं, अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो। देखिए एक बात इधर आता है, भगवान
हर युग में आता है। भगवान ने बताया ना भगवत गीता में, संभवामी जुगे जुगे, मैं हर युग में आता हूं, लेकिन करुणया संभवामी जुगे जुगे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं संभवामी जुगे जुगे। चैतन्य महाप्रभु जब आता है क्या बोलता है, ना करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणा करके आता है। ये दो शब्द होता है, एक होता है कृपा और एक होता है करुणा। तो मैं एक दिन गांव में नामहट प्रोग्राम में भागवत क्लास देता था, तो क्लास में ऐसा कुछ करुणा कृपा बारे में चर्चा होता था। तो एक आदमी मेरे को पूछा, महाराज करुणा और कृपा इसका मतलब क्या है, कृपा करुणा में क्या अंतर है। मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं बोल नहीं पाया। लेकिन एक औरत मेरा पीछे बैठा था, वो औरत है लेकिन उसको ज्ञान है, उन्होंने बताया देख करुणा और कृपा का क्या अंतर है। हाँ, उन्होंने बताया कृपा मतलब तुम किसको मांगो तो मिलेगा, वो कृपा है, मांगने से मिलेगा तो कृपा है। और करुणा क्या है, नहीं मांगने से कोई देता है वो करुणा है। एक कृपा और करुणा दो शब्द में एक फर्क होता है, कोई नहीं मांगता है तब तो भी देता है तो करुणा है। तो भगवान का हर भगवत स्वरूप में कृपा है, लेकिन चैतन्य स्वरूप में करुणा है, दूसरा भगवत स्वरूप में कृपा है। क्यों क्यों चैतन्य स्वरूप में करुणा होता है, दूसरा भगवत स्वरूप में कृपा होता है? इसीलिए मुनि ऋषि योगी भक्त लोग भगवान को मांगते हैं, मेरे को मुक्ति दे दो, मेरे को स्वर्ग दे दो, मेरे को वैकुंठ दे दो। मांगने से भगवान देते हैं, उसको कृपा बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा एक वस्तु लेके आए हुए, ये अनर्पित चरित्र, ये वस्तु कभी भी नहीं दिया गया। क्यों कभी भी नहीं दिया गया, ना कोई मांगते नहीं, क्यों मांगते नहीं ना किसको मालूम ही नहीं। ऐसा चीज है, मालूम होगा तब ना मांगेगा, तो मालूम ही तो नहीं मांगेगा कैसा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा एक वस्तु लेके आए कोई नहीं मांगेगा, कोई मांगेगा तो कृपा है, कृपा से मैं दे दूंगा, तो कोई नहीं मांगेगा तो क्या करूं मैं, तो नहीं मांगने से मैं दूंगा, इसको करुणा बोलते हैं। इसीलिए बताते हैं चैतन्य महापुरुष ने क्या करता है, ब्रह्मार दुर्लभ वस्तु सबाकर जाचे, जाचे मतलब लोग भाग जाता है, महापुरुष पीछे पीछे दौड़ के उनको बाल को पकड़ के, ए किधर दौड़ते हो तुम, लो मैं तुमको कुछ दूंगा। क्या दूंगा, ना ब्रह्मा दुर्लभ वस्तु, जो ब्रह्मा का दुर्लभ है, शिव का दुर्लभ है, जो कृष्ण प्रेम तुम ले लो। ये होता है अनर्पित चरिंचिरा, ये दुर्लभ वस्तु होता है, ये जगतवासियों के लिए, ये हम लोग को कल्याण के लिए। अनर्पिता चरिंचिरा करुणे अवतीर्ण कलो समर्पित तुम उन्नत उज्जवल, उन्नत और उज्जवल, उन्नत क्या है ना, भक्ति सबसे उन्नत है, श्रेष्ठ है, कर्म ज्ञान ध्यान ये सबसे भक्ति श्रेष्ठ है। और उज्जवल क्या है ना, भक्ति में पांच तरह का रस होता है, उन्नत उज्जवल रस। उज्जवल क्या होता है ना, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, चैतन्य महाप्रभु ने इस मधुर रस के बारे में लोगों को सिखाने के लिए आए थे। जिन उन्नत उज्जवल रस स्वभक्ति श्रियम, वो भक्ति संपद देने के लिए आए। हरि प्रोट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतुभ सचिनंदन, वो सचिनंदन गौर हरि, गौर सिंह भगवान हमारा हृदय रूप गुफा में, गुहा में प्रवेश करो। क्योंकि कोई गुफा में सिंह क्या करता है, सिंह हाथी को पीछे पीछे छूटता है, दौड़ता है, हाथी जब गुफा में घुस जाता है सिंह जाकर उनको पकड़ खाता है। तो ऐसा माफी हमारा हृदय रूप गुफा में केव में बहुत सारी दुर्वासना है, चैतन्य सिंह गौर सिंह हमारा हृदय में प्रवेश करते हुए दुर्वासना को विनाश करते हैं, ये एक कारण होता है।
और एक कारण जो हमारा असली चर्चा का विषय है आज के लिए, मैं संक्षेप में बताऊंगा कि कृष्ण भगवान, मैं काल बताया था ना, कृष्ण भगवान वृंदावन का कृष्ण वो पूर्णतम होते हैं, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम। पूर्णतम होने से भी उनका तीन अपूर्ण वासना रह जाता है, जो वासना को संपूर्ण करने के लिए कृष्णचंद्र भगवान को गौरचंद्र रूप में आने पड़ा। तद भवाड्या समजनी सचि गर्भ सिंधु हरि इंदु, सचि माता गर्भ रूपक सिंधु समुन्दर से हरि इंदु, इंदु मतलब चंद्र, चंद्रमा, वो कृष्ण चंद्रमा गौर चंद्रमा रूप में सच्ची माता का गर्भ रूपक समुद्र से प्रकट हुए। ये तीन वासना को पूर्ण करने के लिए, ये तीन वासना क्या था आप लोग सुने हुए, तब भी मैं फिर इसको बोलता हूँ, क्योंकि क्यों कृष्ण गौरांग रूप में आके पुरी में ये लीला विलास किए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक नंबर कारण होता है श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशिवा नैव, राधारण का प्रणय का महिमा कैसा है, प्रेम का महिमा कैसा है, कितना उन्नत है, कितना श्रेष्ठ है। इस श्लोक का सुंदर पद्य काकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णना किए, आप लोग पढ़ना चाहिए। चतुर्थ अध्याय के आदि लीला 230 श्लोक नंबर, उसके पर जितना बांग्ला लगा इस श्लोक अर्थ तो बहुत अच्छा ढंग से बनाए। क्यों कृष्ण भगवान का इच्छा हुआ राधारानी के भाव को अंगीकार करने के लिए, ना सीधा राधारानी का महिमा को, प्रेम का महिमा इतना श्रेष्ठ है, तो भगवान सोचते हैं मैं सारा दुनिया को नियंत्रण करता हूँ, अरे राधारानी का अंदर में क्या प्रेम है, वो मेरे को भी नियंत्रण करता है, मैं सारा दुनिया का आकर्षण करता हूँ, इसलिए मेरा नाम कृष्ण है, आकर्षयति कृष्ण, और इसका अंदर में क्या है, मेरे को भी आकर्षण करता है, ये प्रेम कैसा वस्तु होता है। मैं मदन मोहन हूँ, मदन को भी मोहित करता हूँ, अरे मदन मोहन मोहिनी बन गई, मेरे को भी मोहन तो करते हैं। तो ये जो राधान का प्रेम का महिमा, इसको जानकारी करने के लिए कृष्ण भगवान गौर रूप में आए। ये प्रेम का महिमा सब शास्त्र में वर्णना किया गया, लेकिन कृष्ण भगवान योग माया को बताए थे, ये शास्त्र में राधारानी का महिमा बताया गया, लेकिन तुम सबसे छुपा के रखो, मुनि ऋषियों को समझने मत दो, ये राधारानी का महिमा इतना श्रेष्ठ है, मैं स्वयं जाके ये राधार महिमा को, राधार प्रेम का महिमा को जगत में प्रचार करूंगा। इसीलिए हमारा आचार्य लोगों ने बोलते हैं, यदि गौर ना है तो तबे की है तो केमने धरितम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के, राधारानी का महिमा जगतवासियों को मालूम नहीं था, अरे राधारानी का पूजा भी नहीं था, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले सिर्फ कृष्ण पूजा ही होता था। आज भी आप लोग जाए दक्षिण साउथ इंडिया, इस्कन और गौड़ीय मठ को छोड़ के कोई भी मंदिर में, पुराने मंदिर में कृष्ण के पास आप लोग राधारानी को नहीं देखेंगे, कृष्ण ही देखेंगे बस, और कृष्ण के पास कोई औरत तो है तो वो होते हैं रुक्मिणी सत्यभामा। राधारानी का पूजा प्रचलन नहीं था, ब्रज में जितना सारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन विग्रह मिला ना, सिर्फ कृष्ण ही मिला। तो चैतन्य महाप्रभु आने के बाद ये राधारानी का विग्रह सब जगह पर संयुक्त किया गया था। तो एक एक नंबर कारण होता है राधारानी का प्रेम का महिमा। और सेकंड कारण क्या होता है, स्वाद्यजन अद्भुत मधुरिमा कीदृशिवा मति। तो काल में बताया था जब गोपियों ने कृष्ण का सेवा करते हैं तो कृष्ण का आनंद मिलता है, और कृष्ण जब गोपियों को मुख दर्शन करते हैं, कृष्ण को मालूम होता है ये लोगों को मेरे से ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो अभी कृष्ण सोचते हैं, तो मेरा अंदर में ऐसा कुछ वस्तु है जिससे ये लोग को इतना आनंद आता है, क्या से माधुरिमा है, स्वाद्यजन अद्भुत माधुरिमा,
वो अद्भुत माधुर्मा, हाँ मिठाई वाला चीज क्या है, मेरा अंदर में है। किदृश्य व मदीय, मदीय मतलब मेरा अंदर में है, ये लोग सब मेरा अंदर में जो माधुरिमा है उसको आस्वादन करते हैं, वो कैसा वस्तु है। साध्यजन अद्भुत मधुरिमा किदृश्य व मदीय, ये 2 नंबर रीजन है इसको जानकारी करने के लिए। और क्या है, ना सोखं तस्य मदनुभवत किदृश्य वेति लोभ, कृष्ण भगवान का लोभ जागा। हाँ तीसरा नंबर है सुखं तस्य, कैसा तरीका सुख मेरा भक्त को प्राप्त होता है। ये 3 चीज जानकारी करने के लिए, 3 चीज में राधा रानी का अंदर में क्या प्रेम, उसका महिमा क्या है, मेरा अंदर में माधुरिमा इसका महिमा क्या है, और मेरा माधुरिमा का आस्वादन करते हैं मेरा भक्त लोग जो सुख प्राप्त होता है वो क्या है। ये 3 चीज को जानकारी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए ना, तद्भावाढ्य तद्भावाढ्य उनका भाव, राधा भाव द्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, राधारण का भाव को अंगीकार करते हुए तद्भावाढ्य समझने सचिगर्भ सिंधु हरि इंदु। तो किद्रे सिंह बेति लोभा, भगवान का लोभ हुआ, कृष्ण भगवान का लोभ हुआ, वो पूर्णतम भगवान जो अपरिपूर्ण वासना को परिपूर्णतम करने के लिए, परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए वो आए हुए, आके पुरुषोत्तम क्षेत्र में लीला विलास किए, रथ यात्रा में रथ का ऊपर कृष्ण बैठे हैं जगन्नाथ रूप में, रथ यात्रा में कृष्ण नाचते हैं चैतन्य रूप में, तो जगन्नाथ रूप में वो चैतन्य का नृत्य देख के आनंद पाते हैं, और गौरंग रूप में वो कृष्ण भगवान को जगन्नाथ रूप में दर्शन करके आनंद पाते हैं। ऐसा परिपूर्णता लाभ हुआ भगवान का लीला में, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान का लीला का परिपूर्णता प्राप्त हुआ, जिधर भगवत स्वरूप में और कुछ भी अभाव नहीं रहता है, ये पूर्ण होता है। ऐसे मैं संक्षेप में कुछ बताया, हाँ इस श्लोकार्थ आप लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर कृष्ण का क्या विचार है, हाँ गौरांग रूप में आने के इसको पूर्ण वर्णन दिया गया। तो ये पुरुषोत्तम महीना और कितना दिन है, 2-3 दिन है, और 2-3 दिन बाकी है, फिर 3 साल हम लोग को अपेक्षा करने पड़ेगा इस विशेष महीना आने के लिए, जो महीना में भगवत भक्ति का इतना श्रेष्ठता हाँ महिमा वर्णन किया जाता है। तो आप लोग बहुत भाग्यवान हो, हर रोज श्री लोकनाथ स्वयं महाराज का सानिध्य प्राप्त करते हो, उनके साथ नाम जप करते हो। इस महीना में जो 3 उपाय था भगवान की उपासना करने के लिए, हाँ पुरुषोत्तम व्रत पालन करने के लिए, एक था कृष्ण आराधना भगवान का नाम करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो और 5-10 मिनट टाइम है, कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कि काल तुम्हें प्रश्न नहीं ले पाया। बहुत बहुत पूछो धन्यवाद टीचर, ने सादर धन्यवाद प्रणाम है। तो आज के विषय से संबंधित यदि किसी भक्त के कोई प्रश्न है, या इवन कल जो महाराज जी सुनाए थे हमें, तो आप पूछ सकते हैं। नेहा मातू जी अनम्यूट करके बोलिए, भक्ति नेहा। हरे कृष्णा महाराज प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग स्टूडेंट है तो इसी मंथ में ये रूल्स है कि किस मतलब ज्यादा ज्यादा जप करना चाहिए, फिर कीर्तन, ये भी है कि कोई किसी भी धाम में जाना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग स्टूडेंट है तो हम नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे बहुत एग्जाम्स रहते हैं, स्टडी की प्रेशर रहते हैं, तो हम क्या करें इसमें? जब एग्जाम रहता है स्टडी का प्रेशर रहता है थोड़ा ज्यादा पढ़ो, जब छुट्टी होता है स्टडी का प्रेशर नहीं तो ज्यादा जॉब करो, बस हो गया, बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। कलानाथ कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया थे कि
श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, सो क्या राधा रानी मूड लेकर आए थे। और एक श्लोक है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, उस श्लोक में क्या अंतर महाराज जी, क्यों आए हैं? वैराग्य विद्या सीखने के लिए और ये राधा रानी मूड का लेकर आए, क्या अंतर है महाराज? ये मेरे प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष वैराग्य के बारे में बताया। जुग जुग करके जुग जुग तक जो वैराग्य था वो छोड़ने का बात था, चैतन्य महाप्रभु का वैराग्य था जोड़ना का वैराग्य, जोड़ना का वैराग्य। चैतन्य महाप्रभु जो वैराग्य सिखाए एक ऐसा वैराग्य है, वो वैराग्य आप अच्छा से खाओ, अच्छा से गाओ, अच्छा से नाच करो और भगवत धाम चले जाओ, ऐसा वैराग्य है, स्पेशल वैराग्य है। हाँ, ये रिनाउंसिएशन ऑफ सेंस कैटिफिकेशन। कोई सेंस कैटिफिकेशन छोड़ के वैराग्य करता है, चैतन्य से ज्यादा सेंस कैटिफिकेशन करके वैराग्य है। हाँ, ज्यादा टेस्टी प्रसाद खाओ। देखो हमारा वैराग्य के बारे में मैं लोग को बोलता हूँ, जे ये इस्कन का भक्त लोग ही असली भोगी है। ये त्यागी कैसा भोग का द्वारा त्याग होता है, बाहर का लोग तो डरते हैं, वो इस्कन का साधु बनने से बहुत मुश्किल है, सुबह सुबह जागना है, ये मत खाओ वो मत खाओ, अरे हम लोग थोड़ा सेंस कैटिफिकेशन करेंगे, आनंद करेंगे, फूर्ति करेंगे, इस्कन वाला क्या करता है। लेकिन मैं उन लोग को समझाता हूँ, देखा इस्कन में जब गृहस्थ भक्त का घर पर जाता हूँ, वो लोग का वैराग्य का देखो कैसा, वो सुबह जाग जाता है, जाके सब साफ सुथरा होके पूरा परिवार भगवान का मंदिर खोलते हैं, घर घर में मंदिर है, तो आंखों का वैराग्य है, क्या है सुंदर देखो, ये सेंस कैटिफिकेशन है, ठीक है ना। फिर क्या होता है ना, सुंदर संसार दावा नलिन लोको, ये कान का वैराग्य है, सेंस कैटिफिकेशन है। फिर क्या होता है ना, भगवान को धूप देते हैं, तुलसी देते हैं, सुंदर सुगंध है, ये इस वैराग्य का ऐसा वैराग्य है। और मंगल आरती हो गया, हाँ सुंदर बाल्य भोग प्रसाद खाओ, जीवा का वैराग्य है। ये वैराग्य जो देखा है, ये युक्त वैराग्य, ये हम लोग के लिए ये वैराग्य सही वैराग्य है। हाँ महाप्रभु ने देखा है, ये असली सेंस ग्रेटिफिकेशन का वैराग्य। लेकिन बाहर का लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते नहीं, वो लोग मरते हैं 11 बजे रात को, 12 बजे, हाँ 1 बजे सोते हैं, सुबह जब जागते हैं, हाँ स्वामी स्त्री बाचा काचा को लेकर सोते हैं, तो जागते हैं, स्वामी स्त्री को मुख देखता है, स्त्री स्वामी को मुख देखता है, मुंह खुल गया, बाल बिखर गया, हाँ कैसा देखते हैं, भक्त लोग राधा कृष्ण देखते हैं, अभक्त लोग ऐसा फूला फूला मुंह, दुर्गंध मुंह से निकलता है वो देखते हैं। और भक्त लोग सुंदर मृदंग का तल के हरिनाम करता है, और बाहर का लोग क्या करता है, सुबह सुबह मतलब पहले दिन रात को स्वामी स्त्री को झगड़ा हुआ था, सुबह सुबह झगड़ा शुरू हो गया, तो बच्चे लोग यहाँ शुरू कर, वो लोग का मंगल आरती शुरू हो गया, वो एक चीज होता है। तो हमारा चैतन्य महाप्रभु जो वैराग्य ने सिखाया है, ये इंद्रिय भोग का वैराग्य, भगवान का साथ रोके, हाँ जीवन का आनंदमय कर, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा आंसर लंबा हो गया, नेक्स्ट प्रश्न कोई बताए, भव्या अनम्यूट माता, कर। अनम्यूट करके बोलिए। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम महाराज। तो हमारा प्रश्न कल के जो सेशन था उससे है कि आपने पुरुषोत्तम धाम के जो इतनी महिमा बताई है, तो जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है वहां पे पुरुषोत्तम धाम कैसे रिफ्लेक्ट होता है? मतलब जैसे आपने बताया कि सारी लीला पुरुषोत्तम धाम में होती है, यहाँ पे तो वहां पे कैसे होता है? इस बारे में मैं दो बात सुना, एक बात सुना, एक पुरुषोत्तम धाम है वैकुंठ में, एक पुरुषोत्तम करके एक धाम भी है, ये भी सुना, और भी मैं सुनता हूँ जे यही पुरुषोत्तम धाम था, यही वैकुंठ धाम है और दूसरा कोई वैकुंठ नहीं। तो इससे मेरा ये विचार आता है, उधर वैकुंठ धाम है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और उसका रिप्लिका इधर पुरुषोत्तम क्षेत्र होता है, और कोई बोलता ना वैकुंठ में कोई यार पुरुषोत्तम क्षेत्र कुछ नहीं, यही पुरुषोत्तम, यही वैकुंठ है दास, ऐसा करके मानते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वो ग्रहण करो। नेक्स्ट, कपिल कपिल, कुमार अग्रवाल जी। उसका दंडवत प्रणाम महाराज जी।
महाराज जी, नाम भी जप करते हैं, नियम पालन भी करते हैं, प्रयास करते हैं, वैष्णव सेवा भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, नाम में रुचि और नहीं बढ़ पा रही। कैसे हम जप और बढ़ाएं, कैसे भगवान के प्रेम को और प्राप्त कर सकें। देखिए, आप नाम में मन नहीं लगते हैं तब भी नाम करने के लिए कोशिश करते हैं, यही प्रेम है। इतना प्रतिबंध के साथ, देखो मैं कभी कभी ऐसा विचार करता हूँ, हमारा मायापुर में गौर पूर्णिमा के टाइम में सब बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, एक साथ में जाप करते हैं, तो यंग लड़का लोग आते हैं, वो लोग सुबह में उठने का तो आदत नहीं है, वो लोग जाप करने का टाइम सो जाते हैं। मैं देखता हूँ कोई कोई सो जाते हैं तो, लेकिन उनको मालूम है उनको जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करता है, सो जाते हैं तो फिर खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर जब जप करता है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तभी सो जाता है, फिर वो चलने शुरू करते हैं, चलते रहते रहते हैं, चलते मतलब तभी सो जाता है। तो कभी कभी मैं देखता हूँ ये बच्चे लोग क्या करता है, ऐसा ऐसा करता है, हाँ जो सर पर ऐसा करता है, जो नहीं सो ये प्रचेष्टा करते हैं, वो लोग देखने से मेरा मन में एक बात आता है, तो ऊपर से कृष्ण राधा रानी और कृष्ण देखते हैं, और राधा रानी बोलते हैं कृष्ण को देखा तो बेचारे कितना परेशानी होता है तुमको स्मरण करने के लिए। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान का दृष्टि आकर्षण करना, जो लोग का प्रेम हो गया, जो लोग का मन सिर्फ भगवान का पास ही पड़ा रहता है, वो भगवान का दृष्टि को आकर्षण करता है। हम लोग का मन में प्रेम नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, इससे भी भगवान का दृष्टि आकर्षण होता है। इससे प्रेम जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य प्रेम नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान को आनंद देना है, ठीक है, जीवन का लक्ष्य प्रेमानंद लाभ करना नहीं। प्रेम तो हमारा आनंद के लिए, लेकिन जीवन का भगवान का आनंद देने के लिए, तो मेरा प्रचेष्टा भगवान को आनंद देते हैं ना नहीं देते हैं। प्रभुपाद ने बोलते हैं, एक आदमी का एक बड़ा लड़का है और लॉन्ग रन में फास्ट होकर आया, तो पिता माता सुनते उनको आनंद आता है, छोटा बच्चा है वो चल नहीं पाता है, गिर जाता है, थोड़ा चलते हैं गिर जाता है, उसको देखिए पिता माता का आनंद आता है। वही समय फिर हमारा प्रचेष्टा ही भगवान को आनंद देता है। हम लोग को मन नहीं लगने से जो हम लोग कोशिश करते हैं, एक कोशिश करते रहे, यही प्रेम है। ये भक्ति कर्म ज्ञान में ये अंतर है, कर्म ज्ञान ध्यान, तुम सब कुछ करो अंत में फल मिलेगा, लेकिन भक्ति ऐसा नहीं, जो दिन शुरू करेंगे उसी से फल मिलता है, ये भी प्रेम का लक्षण है ना। ये भी प्रेम का लक्षण है। कोई स्त्री को खुश करने के लिए पिता माता को कितना प्रयास करता है, लेकिन हम लोग कृष्ण को खुश करने के लिए प्रयास करते हैं, हाँ मन नहीं लगते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग दुखी लगते हैं, क्यों मेरा मन नहीं लगता है, हाँ ये जो भाव है ये प्रेम का भी एक लक्षण होता है, भगवान हम प्यार करते हैं इसीलिए, ठीक है ना कपिल कुमार जी। ओके लास्ट क्वेश्चन, विद्युत शाह बोलिए। महाराज, वेरी गुड क्लास। আমি হিন্দি বুঝি কিন্তু ওইভাবে বলতে পারি না, আমি বাংলা অথবা ইংলিশে বলার তো চেষ্টা হিন্দি করছি। সমঝতে হয় লেকিন বল নাই পাতে হ্যায়, বাংলা মে জলদি বলো, লাস্ট কোশ্চেন। বলতে একটু কষ্ট হয় আর কি, হিন্দিয়াতে গেলে আবার কিছুটা হ্যাঁ বলতে পারি। বলুন বলুন, বাংলায় বলুন। গত ক্লাসে একটা প্রশ্ন ছিল, একটা ছোট প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আমরা বলছি ঈশ্বর ও পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদির গোবিন্দ সর্বকারণং কারণম, এই প্রশ্নে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলা হচ্ছে, আবার বলা হচ্ছে এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ঈশ্বর আর ভগবান এই শব্দ দুটোর মধ্যে এক্স্যাক্টলি পার্থক্যটা কি? আমরা অনেক সময় অনেকে শিবকেও ভগবান বলি, ভগবান শিব বলে অনেকে বলে। भगवान का बोलते हैं ईश्वर भगवान में क्या अंतर है? देखिए भगवान शब्द का अर्थ आप लोग को मालूम है, जो षड़ेश्वर भग मतलब ऐश्वर्य, धन बान, बल बान, शक्ति बान, ज्ञान बान, ज्ञान है ज्ञान बान, शक्ति है शक्ति बान,
भग मतलब ऐश्वर्य, जिसका ऐश्वर्य भगवान, तो भगवान बोलते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ नियंत्रण करता, जो नियंत्रण करते हैं उनको ईश्वर बोलते हैं। मैं काल बताया था ईश्वर महेश्वर परमेश्वर परात्पर परमेश्वर होता है, दोनों का अर्थ अलग होता है, लेकिन परम ब्रह्म का ही बोला बोला जाता है। परम ब्रह्म ही वो भगवान है, वो परमेश्वर है। और शिव जी को भगवान बोला जाता है, वो भी भगवान है क्योंकि वो भगवान का गुण अवतार है, इसलिए उनको भी भगवान बोला जाता है। और कभी कभी नारद मुनि को, सुखदेव गोस्वामी को, व्यासदेव को भी भगवान बोलते हैं। व्यासदेव तो ऐसा सत्यावेश अवतार है, नारद मुनि भी सत्यावेश अवतार है, उनको भी भगवान बोला जाता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो सत्यावेश अवतार है, तब वो भगवान बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी महान व्यक्तियों को भी भगवान करके संबोधन किया जाता है। हाँ, क्योंकि भगवान सर्वई गुणस्तत्र समासते सुरहा, भगवान का सब गुणावली उनका बड़ा बड़ा भक्त का अंदर में देखा जाता है, इसीलिए उनको भगवान करके संबोधन किया जाता है। लेकिन जो संबोधन करते हैं उनको मालूम है शुक्रदेव भगवान बोलते हैं मैं, लेकिन ये भगवान नहीं है, हाँ ये कृष्ण ही भगवान है। तो वो लोग विचार है, लेकिन बाहर का लोग समझते नहीं ये सब क्या फर्क है, कौन भगवान है, कौन जीव है, कौन देवता है, ये लोग जानते नहीं, ये समस्या है। ठीक है, ओके। सुरेश चंद्र प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक गृहस्थ हूँ मैं, लेकिन सपोज मैं अभी वही मतलब जो गौड़िया परंपरा में अभी हूँ, अभी 7-8 महीना में हो गया है, मैंने जो नॉनवेज वगैरह और प्याज लहसुन ये जो वगैरह सब कुछ छोड़ दिया हूँ। मतलब मैं अभी आपका जो इस्कॉन और जो गौड़िया परंपरा में मेरा जो मतलब पथप्रदर्शक गुरु जो है उनका विचारधारा में मैं आके मैं सब छोड़ दिया हूँ, और परिवार के साथ मेरा रिलेशन वगैरह सब कुछ है, लेकिन मेरा घर में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम करते हैं। सपोज मैं घर में कभी जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि हमको मच्छ मछलियाँ चाहिए, ऐसा है वो है, तो मैंने उसको थोड़ा मतलब डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, तो वो लोग दुखी हो गए, तो मेरा कुछ प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या मेरे को प्रभु जी? ना इस बात को आपके जो काउंसलर है उनको पूछेंगे, और वो लोग दुखी बनने के बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ, वो लोग अभी दुखी होंगे लेकिन आप अच्छा भक्त बनने से वो लोग का ही कल्याण होगा, समझते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने एक दृष्टांत दिए, एक बच्चा को बुखार है, ठीक है, तो बुखार है कुछ बीमार है, तो उनको पिता माता डॉक्टर को बुलाएंगे, और डॉक्टर बहुत बड़ा इंजेक्शन लेकर आएगा। इंजेक्शन देखते हुए बच्चा सुखी होगा ना दुखी होगा, सुरेश जी बताइए, सुखी होगा ना दुखी होगा, उनको म्यूट करते, सुखी होगा ना दुखी होगा ना, अरे इतना बड़ा इंजेक्शन आ गया तो रोएगा, वो दुखी होगा रोएगा, तो पिता माता क्या करेंगे ना सहन करेंगे, वो दुखी होने से भी सहन करेंगे, क्यों ना, कोई इंजेक्शन दिया जाएगा उनका बीमार सुधर जाएगा। वो समाप्ति, आपका परिवार का लोग आप थोड़ा दूर रहते, दुखी होने से भी आप दुख को सहन करो, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, आप लोग अच्छा भक्ति होगा तो वो लोग सब लाभवान होंगे, हाँ वो लोग को कल्याण होगा। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना मूल्य और कीमती समय हम सभी के लिए निकाला। सभी भक्तों से अनुरोध है एक बार हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।